कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपना ये तीन उपाय, 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत। मैं शफक मीर, बस्तर की बात में। पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पुरातत्व संग्रहालय में हुआ 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी, लगभग 30 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का किया पठन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया संजय बाजार के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के विरोध में राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने गठित होगा बस्तर फाइटर्स, ये बस्तर पुलिस का ही एक विंग होगा। और पान मसाला और गुटखा के पाउच से पटी नाली, स्वच्छता जागरूकता के अभाव में अभी भी लोग नालियों में डाल रहे कचरा। छत्तीसगढ़ शासन लोक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा जिला पुरातत्व संग्रहालय में शुक्रवार व शनिवार को 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दूसरे दिन 15 से अधिक शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र का पठन किया। पहले दिन भी लगभग 13 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र पढ़े थे। इस तरह से लगभग 30 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का पठन इस संगोष्ठी के दौरान किया। कार्यक्रम का समापन शनिवार की शाम शोधार्थियों एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ हुआ। पुरातात्विक संग्रहालय के अध्यक्ष अमृतलाल पैकरा ने संगोष्ठी पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों एवं शोधार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े लोकगीत, किंवदंतियों एवं लोक गाथाएं विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में संगोष्ठी अध्यक्ष डॉ BL झा ने कहा कि समृद्ध पुरातन वैभव के कारण हमें बस्तरिया होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, साहित्य, नृत्य को सहजने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, तभी बस्तर अपनी विश्वव्यापी पहचान को बरकरार रख सकेगा। जिला पुरातत्व संग्रहालय में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे माँ सरस्वती की पूजा अर्चना पश्चात शोध संगोष्ठी प्रारंभ हुई। संग्रहालय अध्यक्ष अमृत लाल पैकरा ने शोध संगोष्ठी के संदर्भ में बताया, बस्तर के समृद्ध पुरातत्व, लोक कला, संस्कृति, साहित्य को संरक्षित करना और उसे विश्वव्यापी पहचान दिलाना हमारा प्रयास है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि महापौर सफीरा साहू ने कहा कि मुरिया परिधान दुनिया में बस्तर की अलग पहचान बनाए हुए है। बस्तर आने वाले अधिकांश सैलानी बस्तर का लोक जीवन और उसकी संस्कृति देखना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ की लोक संस्कृति और साहित्य जगत को बढ़ाना जरूरी है। इस मौके पर नगर निगम की सभापति कविता साहू ने कहा कि बस्तर की संस्कृति लुप्त हो रही है, इन्हें संरक्षित और संवर्धन करने का प्रयास सराहनीय है। हम कहीं भी बस्तर की चर्चा करें, लोग उसे उत्सुकता से सुनते हैं और हम भी गर्व महसूस करते हैं। इतिहासकार SK तिवारी ने कहा कि बस्तर की विधाओं को पूरी तरह सहजना आसान नहीं है। रामायण काल से यह भूभाग दंडकारण्य के नाम से चर्चित रहा है। बस्तर देश का ऐसा केंद्र है जहां से शैव, शाक्य, बौद्ध और जैन प्रतिमाएं मिलती हैं। बस्तर 2000 साल पहले से अपनी समृद्ध विरासत को सहेजे हुए है। शोध संगोष्ठी दूसरे सत्र में सुश्री उर्मिला आचार्य ने भैरव मंदिर, कोठारदेव और उसके परिवार, विजय सिंह ने बस्तर में चर्चित झिरलिटी झिरलिटी पंटकी मारा लिटी बाल गीत के रचयिता पूरन सिंह ठाकुर पर, और कोंडागांव से आमंत्रित डॉक्टर किरण नूरेटी ने विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को शीतला में प्रणाम करते समय हपका करने, डॉक्टर स्वपन कुमार कोले ने मुरिया जनजाति का राजनीतिक संगठन, डॉक्टर जयमती कश्यप कोंडागांव ने लोकगीत एवं लोक कथाएं, घनश्याम नाग बनियागांव ने बस्तर की किंवदंतिया इतिहास, विश्वनाथ देवांगन ने मोटका लोक कथा किंवदंती, श्रीमती आशा रानी पटनायक ने बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति में लोक गाथाओं का महत्व, पल्लवी नूरेटी ने दक्षिण बस्तर के पेन शक्तियों का इतिहास तथा नागराज पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इसके अलावा 5 शोधार्थियों ने भी अपना शोध पत्र पढ़ा। कार्यक्रम का संचालन करमजीत कौर और अफजल अली ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण,
हत्या, उत्पीड़न जैसे अनगिनत मामलों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी व महिलाओं को सुरक्षा ना देने के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 20 फरवरी शनिवार को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किया और मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। धरना स्थल पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री दीप्ति पांडे ने धरना को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की काफी खराब स्थिति है। प्रदेश की बहन बेटियों पर लगातार हो रहे अत्याचार रोकने में कांग्रेस सरकार विफल है। शांति का टापू कहलाने वाला अपना छत्तीसगढ़ देखते ही देखते अशांत और असुरक्षित होने लगा है। समाज के कमजोर तबके के लोगों से अत्याचार चरम पर है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। महिलाओं के बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। लगभग 5,000 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसको प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कुछ कह नहीं रही है। यहाँ तक कि उनके जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इसको छोटी सी घटना बता रहे हैं। तो इस विषय को लेकर हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिला स्तरीय, फिर इसके बाद हम इनको प्रदेश में भी करेंगे। सड़क से सदन तक हम जाएंगे, हल्ला बोल का हमारा यह धरना प्रदर्शन रहेगा। धरना स्थल से महिला मोर्चा द्वारा रैली निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण भी किया गया और इस संबंध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार जवानों की तैनाती कर रही है, एंटी नक्सल ऑपरेशन भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ कोबरा महिला कमांडो की तैनाती की थी। अब केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए भूपेश सरकार ने भी बस्तर में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए बस्तर फाइटर्स का गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है। बस्तर फाइटर्स बस्तर पुलिस का ही एक विंग होगा। स्थानीय लोगों को पुलिस की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद नक्सल मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। बस्तर फाइटर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है। बस्तर में पहले से ही तैनात डीआरजी के तर्ज पर बस्तर फाइटर्स का गठन किया जाएगा। बस्तर फाइटर्स में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में स्थानीय युवक युवतियों को पुलिस ट्रेनिंग देगी, इसके बाद बस्तर फाइटर्स में शामिल किया जाना है। आईजी ने बताया कि बस्तर फाइटर्स में स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गठन किया जा रहा है। बस्तर में तैनात अर्ध सैनिक बल, जिला पुलिस बल से स्थानीय लोगों की बोली और भाषा के कारण बातचीत नहीं हो पाती है। इसी को देखते हुए ग्रामीण अंचल के युवक युवतियों को बस्तर फाइटर्स में लाया जाएगा ताकि बेरोजगारी के कारण गलत दिशा में न भटके। आईजी ने कहा कि बस्तर फाइटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी युवक युवतियों को शामिल किया जाएगा। इनकी बोली भाषा का शैक्षणिकता के आधार पर बस्तर फाइटर्स में शामिल किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा बल्कि नक्सलियों से लोहा लेने में बस्तर फाइटर्स मील का पत्थर साबित होगा। आईजी ने बताया कि फिलहाल राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स के गठन का निर्णय लिया है। आने वाले 2-3 महीनों में इसकी नियमावली भी तैयार हो जाएगी। स्थानीय लोगों की भर्ती प्रक्रिया बस्तर पुलिस शुरू करेगी। आईजी ने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवतियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में बस्तर फाइटर्स की तैनाती से नक्सली और बैकफुट पर चले जाएंगे। इस संबंध में बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बताया, बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल में, पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या में जो स्थानीय युवा एवं युवतियों को अवसर देने के हिसाब से अभी शासन ने कैबिनेट में बस्तर फाइटर्स के नाम पर एक स्थानीय सुरक्षा बल का अनुमोदन किए, इसका नियमावली बनकर फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बस्तर फाइटर्स के पीछे मुख्य उद्देश्य वही है जो स्थानीय युवा युवती जो लोकल भाषा को जानते हैं, स्थानीय परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं, उनका पुलिस में अधिक संख्या में भर्ती होने के एक अवसर देने का उद्देश्य ये बस्तर फाइटर्स का जो आयोजन की जा रही है। इसमें नियमावली अभी बनकर फिर
नोटिफिकेशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। तो महिला के लिए कितना परसेंटेज आरक्षण रहेगा करके जो तब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, ताकि मुख्य उद्देश्य वही है, मतलब अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा युवती दोनों का एक अच्छा अवसर देने के मूल उद्देश्य इसका। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शनिवार को सिविल लाइन स्थित पुराने बस स्टैंड परिसर में नालियों की सफाई की गई। इन नालियों में गुटखा, पान मसाला, पानी पाउच के कचरे भरे हुए थे। अब भी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। जहां दुकानदार कचरे को नालियों में डाल रहे हैं, वहीं सड़क सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी भी सड़क पर झाड़ू लगाकर कचरे को नालियों में डाल देते हैं, जिसका ये परिणाम है कि नाली पूरी तरह से कचरे से पट जाती है। सफाई का दायित्व हम सभी का है, हमें भी शहर को स्वच्छ रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कचरे को नालियों में ना डालकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में भी डालना चाहिए, तभी हम अपने शहर को स्वच्छ रख पाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में विश्वव्यापी महामारी कोरोना का टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया जा रहा है। ये टीकाकरण का कार्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य संयोजिका महिला के द्वारा लगाया जा रहा है। अपनी वेतन विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य संयोजक पूरे प्रदेश भर में शनिवार को काली पट्टी लगाकर टीकाकरण किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय संतोषी वार्ड में स्थित
बाबा रामदेव मंदिर में माघ मेला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शनिवार को अखंड परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लेकर देर रात तक बाबा रामदेव की परिक्रमा करते रहे। श्रद्धालुगण इस दौरान भजन कीर्तन करते हुए अखंड परिक्रमा में शामिल होते रहे। इस दौरान सारा माहौल भक्तिपूर्ण नजर आया। बस्तर संभाग में जवानों को टीका लगाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अफसरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी बस्तर संभाग में अलग अलग सुरक्षा बलों के 1,00,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। जवानों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देश भर में कश्मीर और बस्तर में ही है। ऐसे में दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वैक्सीन बस्तर में लगेंगे। यहाँ जवानों की संख्या को देखते हुए जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि थाने में पदस्थ जवान या जिन स्थानों पर जवानों की संख्या कम है उन्हें अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर टीका लगवाना होगा। इसके अलावा फोर्स के जवानों के लिए उनके कैंप में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने की भी तैयारी की जा रही है। बस्तर में भी कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर आकर काम करने वाले लोगों को टीका लगाने की शुरुआत कर दी गई है। अभी फ्रंट लाइन्स वर्कर के तौर पर राजस्व पुलिस और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को कोविड 19 का टीका लगाया जा रहा है। पहले ही दिन रविवार को करीब 25 लोगों को टीका लगा दिया गया है। इनमें ट्रैफिक पुलिस से लेकर पुलिस विभाग के अन्य जवान और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। फिलहाल अभी थाने में तैनात जवानों को टीका लगाने की शुरुआत की गई है, लेकिन कैंपों में तैनात जवानों के लिए वहीं व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है कि कैंप और अन्य जगहों पर व्यवस्था का जायजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ले रहे हैं। जहां पर व्यवस्था पूरी होगी वहां पर सेंटर खोल दिया जाएगा। इधर बस्तर जिले की बात की जाए तो यहां फ्रंटलाइंस वर्कर को टीका लगाने की शुरुआत कर दी गई है और पहले चरण में करीब 1,000 जवानों और 550 राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पुरातत्व संग्रहालय में हुआ 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी, लगभग 30 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का किया पठन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया संजय बाजार के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के विरोध में राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने गठित होगा बस्तर फाइटर्स, ये बस्तर पुलिस का ही एक विंग होगा। और पान मसाला और गुटखा के पाउच से पटी नाली, स्वच्छता जागरूकता के अभाव में अभी भी लोग नालियों में डाल रहे कचरा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।